इस वीडियो में मैं आपको पोहा बनाना सिखाऊंगी। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पोहा बनाना सिखाऊंगी। जो लोग डाइट करते हैं या डाइटिंग पे हैं, मैं उन लोगों के लिए यह रेसिपी लाई हूँ। यह एनर्जी से भरपूर है, इसमें जो हमें प्रोटीन चाहिए सब मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने पोहा लिया है, देख सकते हैं आप, एक कटोरी पोहा है। पोहा हमने राजधानी का लिया है। चलिए मैं अभी से धो के आपको दिखाती हूँ। तीन पानी निकाल के देखिए, पानी से इसे पूरे को भर लेना है और ऐसे इसे निकाल देना है। हमें तीन पानी ऐसे ही निकालने हैं। पोहे को हमने तीन पानी निकाल लिए हैं। अब पोहे को हम छन्नी वाले बर्तन में करेंगे, क्योंकि हमें इसे सारा पानी इसका सोख लेना है। पोहा हमने छन्नी में लौट लिया, हमें मोटा वाला पोहा चाहिए। दो से तीन मिनट इसे पानी निचड़ने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम। हमने कढ़ाई रख दी है, हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब हमने दो चम्मच ऑयल लिया है। हमने सरसों का तेल लिया है, क्योंकि सरसों के तेल से फ्लेवर आता है। सरसों का तेल सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तेल गर्म हो चुका है तो हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। मैंने आलूओं को उबाल लिया था और छोटे पीसेस में काट लिया था, क्योंकि आलू एक एक भाप में गल जाते हैं। बस इसे मुझे कुछ देर इसे भूनना है इन आलूओं को। ये आलू पहले से ही उबले हुए हैं। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप आलू नहीं डाल सकते, लेकिन मैंने इसे आलू में जो फैट था सारा निकाल दिया है। अब जो मैंने मसाले लिए हैं, मैं मसाले डालूंगी। एक चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है और एक आधा ही चम्मच मैंने हल्दी लिया, आधा चम्मच मिर्च लिए, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसे हम कुछ देर भूनेंगे आलू के साथ। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा ही पानी डालना है हमें, जो हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए इसके अंदर। एक दो मिनट ही लगेंगे भूनने में। से एक दो मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता डालूंगी। कड़ी पत्ता हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत सही रखता है, इसीलिए हम इसमें कड़ी पत्ता डालते हैं। अच्छी रहती है, बालों में भी ग्लो रहता है कड़ी पत्ते से। अब मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर में भी विटामिन सी होता है, ये भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मैंने कड़ी पत्ते को काट लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं काटते, मोटा मोटा काटते हैं। देखिए अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च डालूंगी। चार मैंने हरी मिर्च ली थी। अच्छी तरह से हम ये भून लेंगे सारी सब्जियों को। बस एक दो मिनट ही भूनेंगे। सब्जियाँ हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है तो हम एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा होता है।
अब हम एक नींबू डालेंगे, क्योंकि नींबू फैट लॉस में फायदा करता है, वजन को कम करता है नींबू, और विटामिन सी भी होता है इसमें। हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है, अब मैं इसके अंदर पोहा डालूंगी। देखिए हमारा पोहा इस तरह का हो गया है, सारा पानी जो था इसमें एक्स्ट्रा निकल चुका है, पोहा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे डाल दूंगी पोहे को। पोहे को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी, हमें हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके। आप भी अगर डाइट प्लान करना चाहते हैं तो आप भी पोहे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी तरह बनाइएगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आज से ही शुरू कर दीजिए पोहा खाना। अब मैं इसके अंदर पीनट डालूंगी, क्योंकि मूंगफलियों को हमने कच्ची को लेकर रोस्ट किया है, भूना है, क्योंकि हम कच्ची मूंगफली नहीं डाल सकते, इसीलिए हमने, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटीन होता है मूंगफलियों के अंदर। अच्छे से मैंने पोहे को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 1-2 मिनट ऐसे ही मैंने आँच कम कर दी है, थोड़ी देर में इसे ढककर ऐसे ही दम आँच पे रखा लूँगी, क्योंकि जो इसके अंदर मसाले फ्लेवर है सब एक दूसरे को आपस में मिल जाए। हमने 1-2 मिनट हल्के आँच पे ढक के रख दिया था। देखिए हमारा पोहा तैयार है, देखिए कितना अच्छा बना है, खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। देखिए अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं नई वीडियो लाऊं आप सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।